afternoon students. Today we are going to study our next topic, small and important topic, respiratory stimulant. The name itself indicates which stimulates the respiratory center or respiratory system. So simple, respiratory स्टिमुलेंट्स. अब रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स यानी क्या, तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई नाम में ही उसका अर्थ जो है वो छिपा हुआ है. रेस्पिरेशन को जो स्टिमुलेट करता है यानी बढ़ाता है, तो उसे हम रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट बोल सकते हैं. अब रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन की जरूरत कब गिरती है और क्यों गिरती है? अब रेस्पिरेशन अगर कम हो गया तो क्या होगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो जाएगी. और ऑक्सीजन कम हो गया तो हमारे सेल्स के जो फंक्शन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी. सो ऑक्सीजन लेवल मस्ट बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन. अब किसी को शॉक लग गया या कोई अनकॉन्शियस हो गया, तो उसका जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो मार्कली रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है. And that person becomes a fainted. वो faint होने लगता है. Oxygen कम होने की वजह से उसका skin जो है वो धीरे धीरे fade होने लगता है, color जो है वो change होने लगता है. तो इन condition में generally ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और जो ड्रग्स या जो सब्सटेंसेस यूज करने के बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम ठीक होने लगता है या उसका जो फंक्शन है वो इंप्रूव होने लगता है या रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो बढ़ने लगता है, तो उस ड्रग्स को हम रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट बोल सकते हैं. सिंपली आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर डेफिनेशन दिया है. आप उस क्वेश्चन में समय के बाद में
समय के बाद में रह नहीं पाओगे और आप बिना बोले साइड में कर दोगे आपके नाक, जैसे आप छोड़ोगे तो क्या होगा, आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो मार्कली बढ़ जाएगा। ये क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में रेस्पिरेशन ना होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी होगी और उस कमी को पूरे करने के लिए हमारी बॉडी जो है वो पर्टिकुलरली रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो बढ़ता है। सिंपल, आप क्राउड में हो जहां बहुत ज्यादा रश है, तो आप रश में कुछ समय के लिए रहते हो, फिर थोड़ा साइड में आकर आप प्लीज सांस, क्योंकि वहां सफोकेशन होता है रश में। अब इतना जो हॉल है हमारा, उस हॉल में आप 70 स्टूडेंट जो है, 70 स्टूडेंट जो है कंफर्टेबली बैठते हैं, ये अगर 150-200 स्टूडेंट्स लाकर बैठा दिए जाए या दोनों क्लास के इतना करके बैठा दिया जाए तो क्राउड हो जाएगा, नॉइस भी होगा, और जो एनवायरमेंटल ऑक्सीजन है जो आप 20-70 लोगों के लिए सफिशियंट है, तो वहाँ 150 लोग आने के बाद में वो कम देने लगेगा, तो आपका कुछ लोगों का जो है जी घबराने लगेगा, दम घुटने लगेगा, कुछ लोगों का रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ये सिंपल, तो ये जो सिचुएशंस है वो क्या करती है, आपके रेटुला ऑब्लॉन्गा लेवल में ब्रेन के अंदर जो रेस्पिरेटरी सेंट्रल्स है उसको स्टिमुलेट करती है। तो यही ड्रग्स जो उसको स्टिमुलेट करें, रेटुला के अंदर जो रेस्पिरेटरी सेंटर है उसे स्टिमुलेट करें, या दे आर इनडायरेक्टली एक्ट ऑन द कैरोटिड बॉडी, जो कैरोटिड मसल्स होते हैं हमारे लंग्स के, उसके ऊपर इफेक्ट प्रोड्यूस करें और उसका कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो है वो बढ़ता है, तो पल्मोनरी वेंटिलेशन जो है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारा जो डेप्थ है और रेट जो है रेस्पिरेशन का वो बढ़ेगा। सो दैट इज व्हाट वी आर सेइंग रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स। अब ये जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स थे जनरली that belongs to the class of CNS stimulants, drugs. Indirectly, वो जो है वो CNS stimulants class से belongs करते हैं, उससे रिश्ता है। And these are used to revive an unconscious person who may have fainted. जो बेहोश है, जिसकी सांस कम चल रही है, उसको लोगों के लिए ये जनरली यूज किए जाते हैं। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है मेनली हाउ दे आर एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स, दैट आल्सो वी डिस्क्राइब, दैट्स द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये जो है ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जरूरत है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट बाय रिफ्लक्स मैकेनिज्म। ये क्या करते हैं, रिफ्लक्स मैकेनिज्म्स द्वारा एक्ट होते हैं। द एपिथेलियल सेल्स ऑफ ट्राकिया ब्रोंकियल ब्रोंकियोल गेट स्टिमुलेटेड by irritation action of drug which leads to respiratory stimulation। अब example कौन कौन से है respiratory stimulants के, वो भी वहां लिखा हुआ है। aromatic spirit of ammonia, that is the one important example। अब aromatic spirit of ammonia में क्या होता है, ammonium carbonate with a strong ammonia solution, ये दोनों का mixture होता है, carbon dioxide, oxygen, अमोनियम कार्बोनेट एक्सेट्रा, दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। अब कार्बन डाइऑक्साइड का भी हमने देखा हुआ है, ऑक्सीजन का भी हमने देखा हुआ है, अभी लास्ट लेक्चर में कार्बन डाइऑक्साइड वी आर यूज इन द
पर्टिकुलरली कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग व्हेन रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज मार्कली डिक्रीजेस इफ वी आर इनहेल द कार्बन डाइऑक्साइड दैट स्टिमुलेट्स द रेस्पिरेटरी सेंटर सिचुएटेड इन द मेडुला. ऑक्सीजन दैट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द ऑक्सीजन लेवल एंड टू मेंटेन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन. सो डेफिनेटली ऑल दीज ड्रग्स वी आर यूज एज अ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स व्हेन द पेशेंट इज अनकॉन्शियस एंड बिकम्स अ फेंटेड. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया अमोनियम कार्बोनेट हाउ दे आर प्रोड्यूसेस देयर इफेक्ट बाय रिफ्लक्स मैकेनिज्म. अब सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ. यू आर यूज पब्लिक टॉयलेट्स आप अगर पब्लिक टॉयलेट्स का यूज करते हो तो आपको इसका एहसास होगा. पब्लिक टॉयलेट जो होते हैं वो उतने नीट क्लीन साफ नहीं होते जितने प्राइवेट टॉयलेट्स जो हैं वो नीट क्लीन मेंटेन होते हैं. अब आप बस स्टैंड के टॉयलेट्स के ऊपर ही चले जाइए तो आपको कभी कभार वहाँ बहुत ज़्यादा स्मेल आता है. When that urine comes outside in that chamber, what happens? That urea starts to evaporate and uric acid and ammonia is released. So the smell of ammonia is in large amount इन द पब्लिक टॉयलेट्स. तो आप पब्लिक टॉयलेट्स में जब भी जाते हो तो आपको वो अमोनिया की यूरिया की जो स्मेल आती है तो आप क्या करते हो उस स्मेल को कम करने के लिए फिर आप आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम करते हैं. आप नाक जो है वो बंद रखते हैं या सांस जो है वो उसका डेप्थ और रेट जो है वो आप कम कर लेते हैं. बट दैट अमोनिया इज इनहेल्ड in our body by normal respiration and that produces reflux action in our medulla by stimulating the respiratory centers. तो कुछ समय के बाद में हमारा जो rate of respiration है वो naturally बढ़ता है. So that ammonia is responsible for that. अमोनिया सॉल्यूशन का जो बोतल है वो आपने अगर नाक को लगाया तो आपको एकदम ऐसे झंझनाहट महसूस होती है और आपकी आंखों से पानी भी आता है और आपकी जो सांस है वो ज़्यादा तेजी से चलने लगती है. दैट इज ऑल्सो ड्यू टू दैट रिफ्लक्स मैकेनिज्म ऑफ अमोनिया. सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स बाय रिफ्लक्स मैकेनिज्म्स. The epithelial cells of trachea, bronchia, bronchiole get stimulated by irritation action of drug which leads to the respiratory stimulation. Ammonium salts and their preparations are generally considered as a respiratory stimulant because these are releases ammonia gas which irritates our respiratory tract and act as a reflux stimulant. Simply, so that is the mechanism action of inorganic respiratory stimulant. Ammonia salts and preparations are generally considered as a respiratory stimulant because they are releases ammonia gas and this ammonia gas irritates our respiratory tract and act as a respiratory stimulant. So simple mechanism of action of respiratory stimulants. In this topic, there is the only one drug that's given in our syllabus. Ammonia
एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया ऑलरेडी वी आर डिस्कस इन आवर फर्स्ट टॉपिक, बट इन दिस टॉपिक मेनली दैट अमोनियम कार्बोनेट इज इंक्लूडेड. अमोनियम कार्बोनेट एंड इट्स मोनोग्राफ इज इंक्लूडिंग इन आवर रेस्पिरेटरी स्टिम्यूलस. सो दैट्स वी सी इन शॉर्ट कि भाई एग्जैक्टली अमोनियम कार्बोनेट क्या होता है. दैट्स वी सी और फिर अंडरस्टू टू ऑल दिस थिंग्स सिंपली. यहाँ थ्योरी जो है बस इतना है, डेफिनेशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंपल इतना आपको याद है. डेफिनेशंस में the drugs or the agent which directly act by stimulating the respiratory center in medulla or indirectly act by their effect on keratin poly and increases pulmonary ventilations by their effect on the depth and rate of respiration. These drugs belongs to CNS stimulants class and are always used to revive at non-conscious persons who may have. Examples: aromatic spirit of ammonia that contains ammonium carbonate with a strong ammonia solution, carbon dioxide and oxygen ammonium carbonate. Mechanism of action that also simple. Inorganic compounds mainly act as a respiratory stimulant by reflux mechanism. The epithelial cell of trachea, bronchial and bronchial get stimulated by irritation action and which leads to stimulate the respiratory system. Ammonium salts and preparations are generally considered as a respiratory stimulants because these are releases ammonia gas. Ammonia preparation जो है वो ammonia release करता है and at release ammonia when we are in air that produces irritation in respiratory tract and by that way that stimulates the rate of respiration. So we are seeing that act as a respiratory stimulant. So here we see that ammonia carbon. That's the only one drug included in our syllabus as a respiratory stimulus. So that's easy. अमोनियम कार्बोनेट फॉर्मूला NH4HCO3. NH4HCO3 and NH2CO2NH4. So molecular weight of this, but they also very indefinite, fixed नहीं है. जितने numbers of molecules होंगे according to that then is a molecular weight. Standard. It contains varying proportion of ammonium carbonate and ammonium carbamate that yields
इट मीन 30 to 34% इसमें अमोनियम कार्बोनेट और अमोनियम कार्बामेट का जो प्रोपोर्शन होता है वो डिफरेंट होता है, बट दैट इज 30 to 34% अमोनियम स्टैंडर्ड अमोनियम कार्बोनेट एंड अमोनियम कार्बामेट, इसका प्रोपोर्शन अलग होगा, बट देयर शुड बी 30 to 40%, इतना 32-34% अमोनिया, 32-34% अमोनिया रिलीज में। दैट प्रोपोर्शन इज वेरी, बट दिस शुड बी रिलीज 30 to 34% प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के लिए हमने उसका सिनोनिम्स नहीं देखे। देयर इज अ फ्यू सिनोनिम्स फॉर अमोनियम कार्बोनेट दैट वी सी। अब अमोनियम कार्बोनेट के जो पॉपुलर सिनोनिम्स हैं, दैट्स मेनली अमोनियम सेस्क्विनेट, एंड वन मोर सिनोनिम दैट्स द पिस्टन साल्ट्स। दीज आर द टू पॉपुलर सिनोनिम्स फॉर अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम सेस्क्विनेट, सेस्क्विकार्बोनेट। एंड क्रिस्टल सॉल्ट्स, वन मोर सिनोनिम दैट सॉल्ट वोलाटाइल, एक और सिनोनिम है बट दैट आस वेरी रियल सॉल्ट वोलाटाइल, वोलाटाइल सॉल्ट ऑफ अमोनिया। ये तीन जो है ये सिनोनिम्स। बट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड दिस अमोनियम सेस्क्विकार्बोनेट एंड क्रिस्टल साल्ट्स। नाउ प्रॉपर्टीज, स्टेट इट ऑकर्स एज अ व्हाइट और ट्रांसल्यूसेंट मास और एज अ व्हाइट पाउडर, व्हाइट पाउडर और ट्रांसल्यूसेंट मास स्टेट। अमोनियम कार्बोनेट, व्हाट हैपेंस एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर, दैट अमोनिया गैसेस इवॉल्व्स फ्रॉम दैट अमोनियम कार्बोनेट्स एंड दैट अमोनियम और अमोनिया गैस प्रोड्यूसेस अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ओडर ऑफ अमोनिया। तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम ओडर ऑफ अमोनिया। टेस्ट, डेफिनेटली अमोनिकल टेस्ट,
उसने कार्बोनिक रिडक्शन टेस्ट। सोल्युबिलिटी, इट इज फ्रीली सोल्युबल इन वाटर, then next properties, its aqueous solution is alkaline to litmus, solubility, soluble in water. Aqueous solution on exposure to air, it loses carbon dioxide and ammonia, and that's converted into porous, opaque, easily friable lumps or white rock. अब ये अगर आप खुला छोड़ दोगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है और अमोनिया गैस भी है, वो भी निकल जाता है, और उसकी वजह से वो जो पाउडर्स होता है या जो सॉलिड्स मास होता है, दैट बिकम्स पोरस, ओपेक एंड इजीली फ्लाई. Uses, it is mainly used in the preparation of official aromatic spirit of ammonia. Use in preparation of aromatic spirit of ammonia. And this aromatic spirit of ammonia is used as a respiratory stimulant. This ammonium carbonate is also used as a expectorant. This spirit of ammonia is used as respiratory stimulant, and second use, ammonium carbonate also used as an expectorant. Expectorant, the bulb which expels the cough or to remove the cough from respiratory tract. So that means we are saying the expectorant. In next lecture we see about that expectorant also. Then storage, it should be stored in a tightly closed containers protected from light. मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप उसको खुला छोड़ दो तो कार्बन डाइऑक्साइड भी और अमोनिया भी रिलीज होता है. So we are always storing in a tightly closed container and keep them cool and dark. Incompatibility, it is incompatible with acids, alkalis, iron salts, lead and silver salt. So all these are about, in short, a respiratory stimulant. So here we are completed one more short topic. The next short topic that we are going to start in next week. Thank you.